मुस्लिम विश्वविद्यालय के बारे में ऐसा खुलासा किया है जो शर्मसार करने वाला है। एएमयू से बड़ी बड़ी डिग्री लेने के बाद छात्रों ने एक गैंग बना लिया था जो अपराध करता था। इसके बाद एएमयू के छात्रावासों में शरण पाता था, पुलिस ढूंढती रह जाती थी और इनका कोई पता नहीं लगता था। गैंग के मास्टरमाइंड फैसल ने बीटेक और एमबीए की डिग्री हासिल की है। ये गैंग पिछले काफी समय से एएमयू कैंपस के आसपास बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे रहा था। इस गैंग के साथ एएमयू के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का एक टेक्नीशियन भी है जो किसी को भी फंसाने के लिए शरीर के अंदर ऑपरेशन से गोली इम्प्लांट कर देता था। इसके बाद बाकी काम गैंग के सदस्यों का था। तुम किस में नौकरी करते हो? मेडिकल। मेडिकल में किस पद पर है? अब नहीं सर, पूरा क्यों लगाई थी? कितने पैसे के लिए किया था काम ये? मैंने पैसा कुछ नहीं लिया सर। भोकट में जी सर, मेरे पे दबाव था। सीए में किसका दबाव था? इन्हीं के, पूरे साथ वालों का। क्या दबाव था? कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया आपने? फिर मुझे करना पड़ा वो सुन करके और गोली अंदर रखी। फर्जी तरीके से आपने गोली रखी है? आपने क्या अपनी क्लिनिक में रखी? प्राइवेट क्लिनिक है क्या आपका? नहीं सर, प्राइवेट क्लिनिक कुछ नहीं है। फिर कैसे? घर पे सर्जिकल ब्लेड था बस, और उसी के साथ। अच्छा, क्या पढ़ाई कहाँ से की आपने? यहाँ मेडिकल से। जेल एएमयू से? कहाँ से? मेडिकल। फोन मिला लो। क्या पढ़ाई की है? ऑपरेशन थिएटर मैनेजमेंट। पुलिस ने इस गैंग के पास से कई पिस्टल, तमंचे, चाकू इत्यादि बरामद किए हैं। इस गैंग के पकड़े जाने से पुलिस ने 9 केस का खुलासा किया है। ज्यादातर केस अन्य छात्र नेताओं के ऊपर फायरिंग का दहशत कायम करने के हैं। आज बॉयज के नीचे करो भैया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के दिनों से कैंपस के भीतर गोलीबारी की कई घटनाएं हुई। छात्र के अलग अलग गुटों के बीच में घटनाएं हुई। छात्र संघ के पूर्व पदाधिकारियों को गोलियां लगी। छिटपुट रूप से इस पर पुलिस कार्रवाई कर सकी, लेकिन पिछले कुछ समय से जब फेस्टिवल का सीजन और अभी वीआईपी थोड़ी आड़ी नीचे रख ले भाई। हमारी शहर की पुलिस ने, सर्वेलांस ने मिलकर पूरे गैंग को एक साथ हम लोगों ने पकड़ा है। इनके पास से बड़ी मात्रा में शस्त्र और कारतूस बरामद किए गए हैं और कैंपस और उसके आसपास हुई पिछली 8 घटनाओं का खुलासा हुआ है। उसके साथ साथ जो अभी लेटेस्ट घटना थी जिसमें एक गुट ने दूसरे पे गोली चलाई लेकिन गोली किसी को लगी नहीं, इन लोगों को ऐसा लगा कि ये नो इंजरी केस हो जाएगा, ये छूट जाएंगे या हम इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। उस लड़के को मेडिकल कॉलेज के एक टेक्नीशियन जो वार्ड में रहते हैं टेक्नीशियन, उसके यहां ले गए। उससे शरीर में ऑपरेट करके पिलेट को भीतर प्लांट कराया, मोटरसाइकिल में लेके उसे हॉस्पिटल पहुंचे, लड़कों का हुजूम इकट्ठा किया, 200-250 लड़के वहां इकट्ठा हो गए, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, ये जानते हुए भी कि इसे गोली नहीं लगी है, ये गोली प्लांट कराई गई है। तो कैंपस के भीतर इस तरह के अराजकता का माहौल फैलाने वाला ये पूरा गैंग आज पकड़ गया है। इनके विरुद्ध जितनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई संभव है वो इनके विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। ये किस तरह का गैंग है और कहां संरक्षण पाते थे? देखिए, ये गैंग इसमें जो 8 लोग पकड़े गए हैं उनमें से 6 लोग एएमयू के ही छात्र रहे हैं। जो इनका नेतृत्व करता है फैसल मुस्तफा, वो यहीं बीटेक किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है, उसका परिवार पढ़ा लिखा है। बाकी भी और जो इसमें गैंग मेंबर्स हैं उसमें ज्यादातर एएमयू के पास आउट हैं, यहीं एएमयू के आसपास या एएमयू के हॉस्टल में शरण लेते हैं। यहीं से एक दूसरे गुट के विरुद्ध इस तरह की आपराधिक गतिविधियां संपन्न कराते हैं। इलेक्शन के पहले आपको ध्यान हो, पूर्व उपाध्यक्ष, पूर्व बड़े जो इनके छात्र संघ के यूनियन के कोर्ट मेंबर या नेता रहे होंगे उनके ऊपर गोलियां चली थी। शहजाद बरनी के ऊपर गोली चली थी और साजली के ऊपर गोली चली थी, इन सबको गोलियां लगी थी। पुलिस ने इस गैंग के 8 लड़कों को पकड़ा है। इस गैंग ने एक अन्य छात्र नेता जो रहमान को फंसाने के लिए एक अन्य छात्र के शरीर में गोली रखवा दी थी और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको जेल पहुंचा दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजेश पांडे ने बताया कि एएमयू कैंपस में अराजकता फैलाने वाला गैंग पकड़ा गया है।
उन्होंने कहा कि आतंक पैदा करने वालों की शहर में जगह नहीं होगी। पकड़े गए गैंग के बारे में एएमयू कुलपति को लिखेंगे, उनसे अपेक्षा की है कि कैंपस में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।